दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे परमेश्वर ने मूसा का आवाज़ ठहराया था, यानी कि इसराइलियों को गुलामी से आज़ाद कराने के समय मूसा के बदले यह व्यक्ति फिरौन से बोला करता था। और एक खास बात यह भी है कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि यह व्यक्ति मूसा का बड़ा भाई भी था, जो मूसा के तरह ही वायदा किया गया देश में प्रवेश नहीं कर सका। दोस्तों जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हारून। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हारून के जीवन और उसका वायदा किया गया देश में नहीं पहुंच पाने का वजह के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हारून की कहानी शुरू होती है निर्गमन अध्याय 6 से, जब उसका जन्म अपने पिता अमराम और अपनी माता योकेबेद से हुआ। हारून अपने भाई मूसा से 3 साल बड़ा था और ऐसा माना जाता है कि हारून का जन्म इसराइल की मिस्र की गुलामी के दौरान हुआ था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उसका जन्म फिरौन द्वारा बच्चों की हत्या कराने के आदेश देने से पहले ही हो गया था। निर्गमन अध्याय 1 उसका 22 में लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन ने सभी लड़कों को मारने के लिए आदेश दे दिया जो उस समय जन्म लेने वाले थे, लेकिन किसी तरह से मूसा का जन्म होने के बाद उसे बचा लिया गया और वह राजघराने में पहुंचाया गया, जहां पर फिरौन की बेटी ने उसका पालन पोषण किया। मूसा का जन्म जिस समय हुआ था उस वक्त हारून मात्र 3 साल का था। जब हारून बड़ा हुआ तब उसकी शादी एलिसेबा से, जो अमीनाबाद की बेटी थी, उससे हुआ। लिखा है निर्गमन अध्याय 6 उसका 23 में, हारून ने अमीनाबाद की बेटी और नहशोन की बहन एलिसेबा को ब्याह लिया और उससे नदाब, अबीहू और इतामार उत्पन्न हुए। यहाँ हम देख सकते हैं कि हारून और एलिसेबा ने शादी की और इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम बताया गया है नदाब, अबीहू और इतामार। निर्गमन पुस्तक की पूरी कहानी हारून को अपने भाई मूसा के सहायक के रूप में वर्णन करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उस समय उसने परमेश्वर के पर्वत होरेब पर एक दृश्य देखा। वह दृश्य ऐसा था कि एक झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। यह देखते ही उसने पर्वत के ऊपर जाके पास से देखने का फैसला किया और जब मूसा उस जलती झाड़ी के तरफ जाने लगा तभी परमेश्वर ने उसे पुकारा। लिखा निर्गमन अध्याय 3 उसका 4 और 5 में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहाँ हम देखते हैं कि हारून का भाई मूसा को परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी से पुकारा। मूसा जब नज़दीक गया तब उसने परमेश्वर से डर के अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों का दुख जो मिस्र में है देखा है और उनकी चिल्लाहट और पीड़ा को भी सुना है। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा से उन इजरायली लोगों को जो मिस्र में गुलाम थे छुड़ाकर एक अच्छे और बड़े देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है ले जाने को बोला। इस बात को सुनने के बाद मूसा ने जवाब दिया कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर ले आऊं। फिर आगे हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 3 उसका 13 और 14 में, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के हर सवाल का जवाब दिया और जब मूसा ने परमेश्वर के नाम के बारे में पूछा तब परमेश्वर ने बताया कि इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम है मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसके अलावा परमेश्वर ने मूसा को कई तरह के अद्भुत सामर्थ्य भी दिए जो मूसा को चिन्ह के तौर पर दिया गया था। इन सब के बावजूद भी मूसा वहाँ जाने से डर रहा था और उसका कारण था उसका बोली। लिखा है निर्गमन अध्याय 4 उसका 10 से 12 में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊँगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने फिर परमेश्वर से निवेदन किया कि कृपया किसी और को भेज। जब इतना कहने के बाद भी परमेश्वर ने मूसा से इस बात को सुना तब परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर भड़क उठा, जिसके बाद परमेश्वर ने मूसा के आवाज़ के बदले हारून को चुना जो मूसा की ओर से लोगों से बातें किया करे। लिखा निर्गमन अध्याय 4 उसका 14 से 16 में, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकल भी गया है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊँगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर ने मूसा के लिए हारून को चुना कि वह उसके बदले लोगों से और फिरौन से बातें किया करे। परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि वह तेरे लिए मुख और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा और परमेश्वर खुद दोनों के मुख के संग रहेगा ताकि जो कुछ भी उन्हें बोलना हो वह परमेश्वर की ओर से बोले। इन बातों के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हारून को मूसा से भेंट करने को जंगल में भेजा और जब हारून अपने भाई मूसा से मिला तब मूसा ने हारून को वह सब कुछ जो परमेश्वर ने बताया था उसे कहा। फिर हम आगे देखते हैं कि मूसा और हारून महामारियों के समय में भी साथ में मिलकर काम किए और जब परमेश्वर द्वारा मूसा ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर सीनै के जंगल में ले गया तब मूसा और हारून को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर बुलाया, जबकि अन्य लोगों को परमेश्वर ने पर्वत के नीचे बाड़े के बाहर रहने को बोला। इस घटना के बाद फिर परमेश्वर ने मूसा के साथ यहोशू को पर्वत पर बुलाया और मूसा को सारी आज्ञा और व्यवस्था समझाया। साथ ही परमेश्वर ने मूसा को साक्षी देने वाली दो पत्थर की तख्तियाँ खुद अपने हाथों से बना कर दिया। इन सारी बातों के समय हारून इसराइलियों के साथ पर्वत से नीचे था। जब लोगों ने देखा कि मूसा को सीनै पर्वत से आने में देर हो रही है तब उन्होंने अपने लिए एक देवता बनाने के लिए सोचा और उसके लिए उन्होंने हारून को बोला। और यहाँ अचंभा की बात यह है कि हारून ने बिना उन्हें मना किए उनके लिए एक सोने के बछड़े का मूर्ति बना दिया और लोगों ने उसे अपना देवता मानकर कहने लगे कि यही हमें मिस्र से छुड़ा लाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर के उपकार को भुला दिया जो उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था और खुद ही अपने लिए देवता बना लिया, जिसके बारे में परमेश्वर ने सभी को चेतावनी दिया था पहले ही कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। बाद में जब मूसा परमेश्वर के पास से नीचे उतरा तब उन्हें यह पाप करते देखकर बहुत क्रोधित हुआ और जब हारून से इसके बारे में सवाल किया गया तब उसने इस पाप को इसराइलियों पर ही डाल दिया। लिखा है निर्गमन अध्याय 32 उसका 21 से 23 में, तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है। इसके बाद मूसा ने सभी लोगों को जो परमेश्वर की ओर थे उन्हें अलग किया और जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए थे मरवा डाला। फिर उनके प्रायश्चित के लिए मूसा परमेश्वर के समीप पर्वत पर गया और परमेश्वर से बातें की। हारून ने इसराइलियों से इतना बड़ा पाप करवा दिया था जिसके कारण परमेश्वर उसे भी मार डालना चाहते थे, लेकिन मूसा की प्रार्थना के कारण हारून बच गया। लिखा व्यवस्था विवरण अध्याय 9 उसका 20 में, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। यहाँ तो हम देखते हैं कि हारून मूसा के प्रार्थना के कारण बच गया, लेकिन दोस्तों हारून भी मूसा की तरह वायदा किया गया देश में नहीं जा सका, जिसका कारण यही था कि मूसा और हारून दोनों ने मरीबा नामक सोते पर परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना। लिखा है गिनती अध्याय 20 उसका 23 से 24 में, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना न मानकर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार ही हारून और उसके बेटे एलियाजार को मूसा होर पर्वत पर ले गया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हारून की मृत्यु वहीं पर्वत पर ही हो गई। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।